बस बड़ी ठकुराइन जी पहुंचने वाली हैं, उनके पहुंचते ही दिवाली की ये महापूजा शुरू हो जाएगी। जय जगदम्बे ठाकुर साहब। जय जगदम्बे। चलिए पंडित जी, पूजा शुरू कीजिए। क्या हुआ ठाकुर साहब? आज पूजा के लिए आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। प्रतीक्षा? कैसी प्रतीक्षा? आपसे क्षमा चाहूंगा इनकी प्रतीक्षा के लिए। जय जगदम्बे ठाकुरान जी। ठाकुर साहब, क्षमा चाहूंगा आपसे आज की इस प्रतीक्षा के लिए, क्योंकि आज की दिवाली की ये विशेष महापूजा ठाकुरान गोदावरी जी के सौजन्य से संपन्न हो रहा है। ए पंडित, आज तक हर साल ये पूजा हमारे पिताजी करते आए, और आज ये पूजा किसी और से करवा के तुम इनका अपमान कर रहे हो। और हैसियत ही क्या इन लोगों की हमारे सामने? देख विजय, पंडित जी से इस सुर में बात नहीं करते। तुमसे उम्र में बड़े हैं और वेदों और शास्त्रों के ज्ञानी हैं। जो लोग पूरे श्रद्धा भाव से पूजा करना चाहते हैं, वो आके पूजा कर ले जरा। भाई ठाकुरान जी, आदित्य ठाकुर नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहाँ? वो किसी जरूरी काम में व्यस्त है, आप आएंगे तो आ जाएंगे। आप पूजा शुरू कीजिए। देखो, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे इस आइडिया के बारे में मैंने बहुत सोचा और मुझे उसमें दम भी लगा, इसलिए इस आइडिया में आगे बढ़ने से पहले मैं तुमसे कुछ बातें साफ साफ पूछ लेना चाहता हूँ। श्योर सर, आप जो पूछना चाहते हैं मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे पास आपके सारे सवालों का जवाब है। यहाँ पे उपस्थित सभी सुहागन महिलाएं यहाँ आ जाएं, टीका लगवा करके माता का आशीर्वाद ग्रहण करें। आ जाइए सभी महिलाएं। एक मिनट पंडित जी, एक सुहागन है जो बिना तिलक लगाए जा रही है यहाँ से। अरे देवी जी रुकिए, तो तिलक तो लगवाते जाइए। जी आप घूंघट उठाएंगे तब तो मैं तिलक लगाऊंगा। ये तो ठाकुरान की बहू है ना? हाँ वही तो है, पर ये सबके साथ क्यों नहीं खड़ी थी? ये तो वहाँ पीछे खड़ी थी अकेले में। अरे इसकी जगह तो वही है, ये तो बेड़नी है, इसको तो ठाकुरान ने अपनाया भी नहीं। कहा था ना तुमसे, एक ही बात सुन सुन कर थकती नहीं हो? परिवार की पूजा पाठ से दूर रहा करो, कहा था ना? इन बेड़नियों की तो पैदाइशी मोटी चमड़ी होती है मासा है, वरना इनका काम कैसे चले? दूसरे की तश्तरी में हाथ डालकर अपनी भूख मिटाती है। खुदवा दीजिए, आप हमारे माथे पे जो खुदवाना चाहती हैं खुदवा दीजिए, लेकिन एक बार हमारी मांग में भरे सिंदूर की तरफ देख लीजिएगा जो छोटे ठाकुर ने हमारी मांग में भरा है। आज से ये गोडाउन आपका हुआ, चाहे जैसे इस्तेमाल कीजिए। थैंक यू सो मच सर, मैं आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा, और जिन पैसों का मैंने आपसे वादा किया मैं अभी लेकर आता हूँ। अब कहीं से बस लोन का हो जाए, फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। माँ साहब, हमारी पूजा तो संपन्न हो गई, माफ कीजिए कि हम आपके आदेश का पालन नहीं कर सके, उनके साथ सब अच्छा होगा।